जय माता दी। मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल एस्ट्रोआज में। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं मकर राशि के बारे में, यानी कैप्रिकॉन की कैसी होगी जून में मासिक राशि फल और कैसा रहेगी उनकी धन की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार की स्थिति, क्या ग्रह गोचर रंग लाने वाले हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मकर राशि के स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के स्वामी शनि हैं और शनि इस वक्त पैरों में, यानी कि हाथ पैरों में दर्द की स्थिति, दांत में दर्द की समस्या आपको जून के महीने में रहेगी। डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। 1 जून से लेकर 18 जून तक दर्द से आप बड़े परेशान रहने वाले हैं। इसी प्रकार से धन की स्थिति की बात की जाए तो 1 जून से लेकर और 30 जून तक, यानी पूरे महीने देखा जाए तो रुका या उधार दिया धन आपको इस महीने मिल जाएगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट में मिलेगा क्योंकि शनि द्वितीय यानी धन भाव में आपके बैठे हुए हैं, तो किस्तों में आपको धन मिलेगा और धन आपका परिवार पे खर्च भी होने वाला है, यानी कि धन आएगा और जाएगा भी। इसी प्रकार से परिवार की स्थिति के बारे में बात करें तो 1 जून से लेकर 30 जून तक अगर देखा जाए तो घर के अंदर जो स्त्रियां हैं, चाहे बहन हो, चाहे माता हो, चाहे वाइफ हो, उनको त्वचा संबंधी प्रॉब्लम, नेत्र की प्रॉब्लम, चेहरों पे किसी कीड़े के काटने की परेशानी रह सकती है जून के महीने में। हाँ, प्लस ये है कि जून के महीने में भूमि का आपका रुका हुआ काम बन जाएगा, भूमि का रेनोवेशन का योग बन रहा है, साथ ही साथ भाई बहनों से रिलेशन में आपके सुधार हो जाएंगे, यानी भाई बहनों से बोलचाल अच्छी हो जाएगी जून के महीने से, ऐसा होगा। इसी प्रकार से संतान भाव के बारे में बात कर लेते हैं तो संतान भाव में सूर्य और बुध दो ग्रह बैठे हुए हैं, तो पहले छोटी संतान के बारे में बात कर लेते हैं तो छोटी संतान का स्कूल से शिकायत होगी कि छोटे बच्चों पे एकाग्र चित्ता की कमी है, ऐसा टीचर उनकी कंप्लेंट करेंगे। बड़ी संतान के बारे में बात कर लें तो बड़ी संतान को जून के महीने में वाहन चलाने में सावधानी बरतनी है, नहीं तो सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, यानी कि आपका सरकारी चालान भी कट सकता है यदि आपने सावधानी नहीं रखी। और साथ ही साथ बड़ी संतान को गवर्नमेंट से संबंधित कोई खुशखबरी, कोई सिलेक्शन की खुशखबरी भी प्राप्त होगी, यानी कि अगर आपकी संतान ने कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए या गवर्नमेंट के लिए कुछ भी अप्लाई किया है तो जून के महीने में आपको सरकारी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। करियर के लिए, संतान के लिए जून का महीना बड़ा अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं मकर राशि वाले जो नौकरी करते हैं उनके बारे में, तो चंद्रमा यहाँ पर बैठे हैं तो 1 तारीख से लेकर 30 जून तक देखा जाए नौकरी के सिलसिले में मकर राशि वाले जातकों को पानी की यात्रा करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इस सप्ताह या इस महा देखा जाए तो बॉस के मूड स्विंग का सामना आपको करना पड़ेगा, यानी उच्च अधिकारी कभी आपसे नाराज हो जाएंगे, कभी आपको डांटेंगे, कभी आप पे मेहरबान हो जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे कि आपके उच्च अधिकारी को हो क्या गया है। तो कुल मिला के देखा जाए तो बॉस के मूड स्विंग का सामना आपको करना पड़ेगा, साथ ही साथ कोई ना कोई नया प्रोजेक्ट भी जून के महीने में आपको मिल सकता है, ऐसा योग बन रहा है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन की। दाम्पत्य जीवन में देखा जाए तो प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी दोनों की एक साथ बात कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जून का महीना पार्टनर को पेट की परेशानी रहेगी, मानसिक तनाव में रहेंगे, रात को नींद आपके पार्टनर को नहीं आएगी, बेफालतू की चिंता रहेगी और बेफालतू का आपसे बहस करेंगे। थोड़ा सा जून के महीने में पार्टनर को टॉलरेट कर लेना, बहस मत करना, नहीं तो वाद विवाद ज़्यादा बढ़ सकता है, यानी कि जो पार्टनर के लिए मानसिक रूप से विचलित करने वाला जून का महीना रह सकता है। नमस्कार रंजीत जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप गुरुजी से तो काफ़ी समय पहले से जुड़े हुए हैं जी, तो आपका अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है? गुरुजी से तो मेरे ख्याल फर्स्ट टाइम हम मिले थे 1998 या उससे भी पहले शायद थोड़ा सा, तब से हम इन्हें जानते हैं और इनकी कैलकुलेशन जो उस समय भी इतनी स्ट्रिक थी कि ये जो चीज़ें बताते थे एक्यूरेट टाइम में, एक्यूरेट चीज़ों में, किसी भी चीज़ में, मतलब हमें जो भी इन्होंने गाइड किया तो वो मतलब हमें तो हर तरह से बढ़िया रहे और बहुत बढ़िया रहे। उस एक्चुअली में इनके बताने से एक जैसे हमें लगता था कि ये काम नहीं हो रहा, तो जब ये बताते हैं तो उसके हिसाब से जब हम काम करते हैं और उस तरीके से जब करते हैं तो वो पॉजिटिव नेट जो आ जाती है, हम लोग जब एक तरह से एनर्जी जो आ जाती है ना, उस चीज़ से हम लोगों को बहुत फ़ायदा होता है।
तो वो जो गाइडेंस है वो यहीं आगे मिलती है। बीच में जब नहीं थे तो हम काफ़ी हमने कोशिश की थी कि बात करें, लेकिन चलिए वो तो जैसे भगवान की इच्छा थी बीत गई, वो चीज़ें निकल गया। तो अभी जब हमें पता लगा तो तब हमने कोशिश करी, तब अपॉइंटमेंट लेके फिर आज आके मिले हैं बहुत समय के बाद में। बहुत बहुत धन्यवाद, माता रानी आपके सब मनोकामना पूर्ण करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी कि जब मेरी बड़ी बेटी का टाइम था 12th का, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो जो लेना चाह रही थी, तो इन्होंने ही हमें गाइड किया और इनके कहने से ही हमने डाल दिया, नहीं तो हमें तो लग नहीं रहा था कि वो चीज़ कर पाएगी, मगर आज वो सक्सेस है। तो बहुत ही लगता है कि बस ये जो कह देते हैं ना वो हो जाता है। इसी प्रकार से अब बात कर लेते हैं मकर राशि के, जो लोग व्यापार करते हैं, जो अपना कंसल्टेंसी का काम करते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, उनका महीना कैसा रहेगा। तो केतु दशम स्थान में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं महीने की शुरुआत में बिजली का खर्चा आपका आएगा, साथ ही साथ ऑर्डर आपके बहुत ज़्यादा कैंसिल होंगे। कुल मिला के व्यापारियों के लिए देखा जाए तो जून का महीना बहुत अच्छा लाभप्रद नहीं है, ऑर्डर कैंसिल की बहुत ज़्यादा शिकायतें रहेंगी, साथ ही साथ इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा ख़राब होते रहेंगे, कभी बिजली के, कभी मोबाइल के इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो जाएंगे, कभी घर की बिजली के इंस्ट्रूमेंट ख़राब होंगे। यानी कि देखा जाए तो व्यापारियों के लिए जून का महीना बड़ा संघर्षकारी रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।